आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लगा भारत को झटका और श्रीलंका ने जीता 27 साल बाद भारत से सीरीज। मैच हाइलाइट्स में क्विक प्लेक्स पर मैं आज इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा मैच की क्या ओवरव्यू रही और क्या हो सकते थे और बेहतर भारत के लिए और क्या कारण है हार। शुरुआत करके टॉस से। जी हाँ, एक बार फिर टॉस का सिक्का उछला श्रीलंका के पक्ष में। तीसरी बार ऐसा हुआ है, तीनों बार टॉस जीता, तीनों बार पहले बैटिंग की और तीनों ही बार मैच जीता। ये क्या अजीब इत्तेफाक है। शुरुआत बहुत अच्छी की एक बार फिर पदुम निशंका ने, 45 रन बनाया और अविष्का फर्नांडो जिन्होंने अभी तक इस सीरीज में बहुत बेहतर नहीं किया था लेकिन आज जो ये पिछला मैच हुआ उसमें उन्होंने कमाल कर दिया, 96 रन बनाए। हालांकि उनको रियान पराग ने आउट किया। कुशल मेंडिस ने भी एक बहुत अच्छी पारी खेली 59 रन की। ओवरऑल आप देखें तो इनका जो टॉप ऑर्डर था वो बहुत बेहतर था और आखिरी में अगर आप देखें तो जो कामेंदु मेंडिस की इनिंग थी वो 27 रन की, यानी कि जो पहले काम वेला लागे कर रहे थे वो कामेंदु मेंडिस ने कर दिया और श्रीलंका ने बना लिए 248। पहले मैच में 230 और अगले मैच में 240 और तीसरे मैच में 248, यानी हर मैच में 10-10 रन का फासला रहा है। ऐसा लगा कि श्रीलंका और भी ज्यादा रन बना सकती थी इस विकेट पर जिस तरह की उनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन रियान पराग को अपने पहले मैच में बॉलिंग देकर कमाल किया वहां पर रोहित शर्मा ने और 3 विकेट लिए। हालांकि इस दौरान अगर आप देखा जाए तो सिराज बड़े महंगे रहे। मोहम्मद सिराज की मैं बात करूं तो उन्होंने 9 ओवर में 78 रन दिए, 1 विकेट उनको मिला है और बाकी के गेंदबाजों ने 1-1 विकेट लिया है। हालांकि शिवम दुबे का अगर आप आंकड़ा देखें तो 4 ओवर में मैच 9 रन दिया है लेकिन विकेट नहीं मिला उनको। 249 का लक्ष्य। ऐसा लगा कि आज भारत के मिडिल ऑर्डर में रियान पराग आए बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग ऑर्डर में, हो सकता है उनका आना और जीत सकती है भारतीय टीम। पहले ओवर से धमाकेदार शुरुआत की रोहित शर्मा ने, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और ऐसा ही किया इस मैच के दौरान भी उन्होंने, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक गाड़ी चली नहीं उनकी। गिल फिर से फेल हो गए, 6 रन पे वो जल्दी चलते बने। विराट कोहली से उम्मीदें थी लेकिन फिर से एक छोटी पारी 20 रन की जो कि भारत के लिए जीत में नाकाफी थी। पंत का अच्छा नहीं हुआ, वो केवल 6 रन बना के चले गए। श्रेयस अय्यर के बैटिंग ऑर्डर में देखा जाए तो आज 5वें नंबर पे आए और केवल 8 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 2 और रियान पराग ने 15, लेकिन एक बार चौंकाने वाला फिर से प्रदर्शन किया है वॉशिंगटन सुंदर ने, ये 9वें नंबर पे आके 30 रन बनाए इन्होंने, ये तो अच्छा कर रहे हैं। ये ऑलराउंडर की श्रेणी में मुझे लगता है कि ओडीआई में फिट हो गए हैं। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि रविंदर जडेजा के बाद ओडीआई में मुझे कोई और नजर आ रहा है तो केवल और केवल वॉशिंगटन सुंदर नजर आ रहे हैं। और इस तरीके से भारत इस मुकाबले को 110 रन से गंवा दिया। बॉलिंग में आप देखें तो वेला लागे ने 5 विकेट लिए, कमाल की बॉलिंग की और केवल 5 ओवर और 1 गेंद की थी उन्होंने। वंडरसन ने 2 विकेट लिया है, तीक्ष्ण आए थे उनको शामिल किया गया था इस मैच के दौरान और 2 विकेट लिए उन्होंने। अशिता फर्नांडो ने 1 विकेट लिए। इस तरीका से श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजों ने 9 विकेट लिए भारत के और 1 विकेट लिया तेज गेंदबाजों ने। क्या हो सकता है हार का कारण? मेरा नजरिया तो यह है कि जो बैटिंग ऑर्डर है वो नंबर ऑफ द बैटिंग ऑर्डर में जो क्रम होता है आप कई बार उससे छेड़खानी करते हैं, वो भी एक हार का रीजन है। ओवर कॉन्फिडेंस ये भारतीय टीम को ले डूबा है और गेंदबाजी उतनी बेहतर नहीं है जितनी कि श्रीलंका की रही है। खासकर हम बात करें तो हम ज्यादा उम्मीद कर बैठते हैं तेज गेंदबाजों से, अर्शदीप से, मोहम्मद सिराज से, खलील से, लेकिन कुछ वो नजर नहीं आया। हर्षित राणा ने डेब्यू नहीं किया इस सीरीज में तो कहीं ना कहीं जो बॉलिंग रही है वो बेहतर नहीं रही और बैटिंग तो श्रीलंका की तुलना में भारत की बहुत ही खराब रही। चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है 2025 में और ये बड़ा संकेत है, खतरे का घंटी है भारत के लिए कि उनके पास अब महज 3 ओडीआई है उस टूर्नामेंट के पहले। मुझे लगता है कि इस टीम में बहुत ज्यादा चेंजेस की आवश्यकता है, कोच का नजरिया बदलना होगा और कप्तान के साथ क्या उनकी रणनीति होगी। मैच हाइलाइट्स में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।